हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आई एस। माई नेम इज़ आयुष मिठी। इस वीडियो में मैं सबसे हमारा जो महत्वपूर्ण सवाल रहता है उसका जवाब देने जा रहा हूँ। सवाल ये है कि आखिर पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता और पढ़ने के बाद थक क्यों जाते हैं। आप बोलोगे ऑफ कोर्स पढ़ने के बाद थक जाएंगे क्योंकि एनर्जी लगती है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल यही पूछना चाहता हूँ, अगर ऐसा है कि जब एनर्जी या एफर्ट्स लगते हैं तो वहाँ थक जाते हैं, तो फिर खेल के आने के बाद या गेम्स या एक्सरसाइज करने के बाद हम फ्रेश क्यों महसूस करते हैं, एनर्जेटिक का क्यों महसूस करते हैं, क्यों हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जबकि पढ़ाई में बिल्कुल उल्टा होता है। हम पढ़ते हैं चीज़ों को, थक जाता है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है, सोने का दिल करता है, जबकि एक्सरसाइज और खेलने के बाद आपके आके सोओगे नहीं, आराम कर लोगे और कंसंट्रेशन अपनी चरम सीमा पे रहता है। इसकी वजह भी है, इसके जवाब भी हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये वीडियो ना मोटिवेशनल होगी, ना कोई ऐसे आपकी इंस्टेंट बूस्ट बढ़ाने के लिए होगी। मैं चाहता था इसमें फिल्मी डायलॉग्स मार सकता था, और जो आजकल मोटिवेशनल वीडियोस आ गई जिनमें फिल्म के जो सीन दिखा देते हैं, बॉडी बिल्डिंग के सीन, रेसिंग करते हुए, वो दिखा सकता था, लेकिन मैंने सिंपलेस्ट डिज़ाइन इसमें बनाई है और प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपके सामने पेश करूँगा। सबसे पहले समझते हैं बायोलॉजिकल रीजंस कि आखिर ऐसा क्या है जो खेलते समय हमें मज़ा आता और पढ़ते समय नींद आती है। बायोलॉजिकल रीजन की अगर हम बात करें तो देखो, एक्सरसाइज वगैरह करते समय है और खेलते समय हमारे रहता है मूवमेंट ऑफ स्ट्रेस। अब उसमें ब्रेन जो एक प्रोटीन रिलीज करता है, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, ये BDNF जो है ये एक प्रोटीन है, और ऐसे ही एंडोर्फिन जो है वो भी रिलीज होते हैं। हमारा जो ब्रेन है उसका हाइपोथैलेमस आप देख रहे हैं जो पार्ट है वहाँ से, और ये जो प्रोटीन्स निकलते हैं ये इंस्टेंट आपको यूफोरिया फीलिंग देते हैं। यूफोरिया मतलब क्या होता है कि आपको एक हैप्पीनेस फीलिंग देते हैं, एक आपको एनर्जेटिक जो आप कह सकते हैं वातावरण प्रोवाइड करते हैं। ये कुछ बायोलॉजिकल रीजंस हैं जो आपके नेचुरल हैं, मतलब ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, और आप जब देखते होंगे जो रेस करने वाले जो रनर्स होते हैं वो उनकी जब वो अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाते हैं तब उनको बिल्कुल वैसा फील होता है जैसे जो ड्रग्स लेने वालों को होता है। मतलब ये बायोलॉजिकल रीजंस होते हैं, इनके ज़्यादा डिटेल में जाने से बेहतर है कि हम साइकोलॉजिकल रीजन समझें, क्योंकि बायोलॉजिकल पे हम ज़्यादा चेंजेस कर नहीं सकते, वो जैसा है वैसा है। साइकोलॉजिकल रीजंस को चेंज किया जा सकता है, इस वजह से मैं सीधा सीधा साइकोलॉजिकल रीजन पे आ रहा हूँ। व्हाई वी एंजॉय गेम्स, सबसे पहले तो ये समझिए, चार चीज़ें हैं, इन चारों चीज़ों पे मैं आपको बताऊंगा कि गेम्स में ऐसा क्यों होता है और पढ़ाई में ऐसा क्यों होता है। गेम्स में सबसे पहले सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, आपने गेम आप खेल रहे हो, गेम आप जीत गए, हार भी गए, लेकिन कभी कभी आप जब गेम जीत जाते हो तब आपको क्या मिलता है, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। साथ के साथ आप गेम जीते, आपको खुशियाँ मिली, आप अगली बार खेलने के लिए फिर से तैयार हो, जबकि आपको पता है कि आप फिर से हार सकते हो, क्योंकि वो सेंस ऑफ जो अकम्प्लिशमेंट है ये बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ पढ़ाई में आता है, हमको एक चैप्टर पढ़ लिया या दो चैप्टर पढ़ लिए या फिर तीन चैप्टर पढ़ लिया हमने, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आता है, उल्टा देखते हैं कि यार इतना सिलेबस इतना और है अभी, तो इतना कवर करना है, तो उल्टा डिप्रेशन और आ जाता है। ये सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आप कहीं भी देख सकते हो, मतलब आपने अगर टारगेट सेट किया कि मैं आज आधे घंटे डिप्स लगाऊंगा या 100 डिप्स लगाऊंगा या फिर इतनी देर एक्सरसाइज करूंगा या इतने किलोमीटर दौड़ के आऊंगा, तो उसको पूरा करने के बाद आप भले ही थक जाएंगे लेकिन आपको सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आया, और आपका जो कॉन्शियसनेस थी, जो आपकी चेतना थी, अवेयरनेस आपकी चरम सीमा पे थी, उसकी भी बात मैं बताऊंगा। दूसरा पॉइंट है मूवमेंट ऑफ स्ट्रेस, आप गेम खेल रहे हैं, आपको पता है आपकी नज़रें हटी, सावधानी आपने हटी और दुर्घटना घटी, आप यहाँ पे हार सकते हैं। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको पता है कि आपके हाथ से बॉल छूट सकती है, आपसे मिसफील्ड भी हो सकते हैं, फिर जो आपके एक दोस्त हैं वो सुनाएंगे आपको अलग, तो स्ट्रेस रहता है। अच्छा, स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन नहीं, डिप्रेशन में बहुत फ़र्क होता है, डिप्रेशन में आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है, स्ट्रेस में आपका दिमाग चलता रहता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपकी कोई चीज़ खो जाती है या बहुत ज़रूरी चीज़ खो जाती है, आप कहीं एग्ज़ाम सेंटर में जा रहे, भगवान करे किसी का हो नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर आप कहीं इंपॉर्टेंट जगह जा रहे हो और वहाँ का डॉक्यूमेंट अगर आपका खो जाता है, तो आपको क्या वहाँ पे डिप्रेशन आएगा, स्ट्रेस आएगा? सबसे पहले आपका स्ट्रेस, क्योंकि आपका दिमाग चलता रहेगा कि क्या करूँ क्या करूँ, कैसे जो इसका इलाज ढूंढूँ, कहाँ से फोटो भी कराऊँ, नेट से कैसे कॉपी निकालूँ।
ठीक है। डिप्रेशन तब आएगा जब आपको वो मिलना बंद हो जाएगा, जब आप वहाँ जा नहीं पाएंगे और आप जो है अपना वो काम पूरा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जब अपन गेम खेलते हैं तब आपके दिमाग में आता है स्ट्रेस, तब आपको पता है कि आप जीत भी सकते हैं, और जब आप हार जाते हैं तब आपको पता है कि अगली बार फिर से जीतेंगे, क्योंकि आपके पास चांसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो स्ट्रेस में क्या होता है कि आपको वो जीतना होता है, और उससे आपको जो है स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस से आपको एनर्जी बूस्ट मिलता है, आपकी अवेयरनेस रहती है, आपका दिमाग एक्टिव रहता है, आप इधर उधर नहीं दिमाग लगा सकते आप। जैसे आप पढ़ते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, नेटफ्लिक्स में दिमाग जाता है, अमेजोन प्राइम में दिमाग जाता है, दोस्त के साथ घूमाऊँ, मूवी देखाऊँ 3 घंटे, तो इधर उधर दिमाग जब जाता है वो क्यों जाता है, क्योंकि आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं है। 6 महीने एग्ज़ाम को, 1 साल एग्ज़ाम को, बाद में पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, 3 घंटे में क्या चला जाएगा। वैसे भी आजकल सब लोग बोलते हैं कि इतना स्ट्रेस मत लो, डिप्रेशन मत लो, इतना मत पढ़ो, 6 घंटे की पढ़ाई में भी सब कुछ हो सकता है, तो क्यों स्ट्रेस लेना। तो जब स्ट्रेस नहीं है तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, प्रेशर नहीं है तो आप वो काम करेंगे नहीं, और नतीजा वही होगा कि आप जो है सक्सेसफुल इस चीज़ में नहीं हो पाएंगे। तो स्ट्रेस जब आपके ऊपर होता है तब आपको एक रीज़न मिल जाता है, उस रीज़न के पीछे आप भागते हो कि ये चीज़ मुझे पूरी करनी है, और फिर आपको नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम ये चीज़ें नहीं दिखेंगी। फिर आपको स्ट्रेस रहता है तो आपको चीज़ों करनी होती है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो पूरे साल भर नहीं पढ़ते, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले पढ़ लेते हैं और एग्ज़ाम मार के ले जाते हैं, तो उसकी वो क्या है, वो एक तरीके से स्ट्रेस रहता है कि 2 दिन बचे हैं कंप्लीट करना है, ठीक है। तो स्ट्रेस में आप इतना भी कर सकते हैं जो एक एवरेज ह्यूमन की कैपेसिटी नहीं होती, आप उसके अपनी कैपेसिटी से भी बाहर जा सकते हैं। तीसरी चीज़ है इमीडिएट यूटिलिटी, वही चीज़ है कि आप गेम जीत गए, आपको मज़ा आया, आपको सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिला, आपको लगा कि हाँ आप कैपेबल हैं और आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आपने एक चैप्टर पढ़ा, 2 चैप्टर पढ़े, या एक बुक पढ़ लिया, या अपने टेस्ट दिया, या फिर आपने कुछ भी अगर पढ़ा, तो आपको साथ के साथ यूटिलिटी नज़र नहीं आती उसकी, आपको लगेगा कि यार ये मैं हिस्ट्री पढ़ के मुझे क्या मिल जाएगा, मैं फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ लूँगा, गांधी के बारे में पढ़ लूँगा, अम्बेडकर के बारे में पढ़ लूँगा, तो मुझे क्या मज़ा आएगा, भगत सिंह के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया, क्या आप क्या करूँ, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से क्या करना है, मुझे इमीडिएट यूटिलिटी आपको नज़र नहीं आती। जबकि आप अगर दुनिया के, अब आप दुनिया में नज़र घुमाएंगे तो आपको लगेगा हर कोई खुश है, कोई स्विट्ज़रलैंड घूमने जा रहा है, कोई आपका दोस्त कार ला रहा है, कोई आपका दोस्त क्या कर रहा है, कोई मूवी देखने जा रहा है, तो आपको लगेगा उनको इमीडिएट यूटिलिटी मिल रही है, उनको मज़ा आ रहा है, जबकि आप जो चीज़ कर रहे हो उसे आपको मज़ा नहीं आ रहा। तो गेम जब अपन खेलते हैं ना तब अपन को जीतने के बाद इमीडिएट यूटिलिटी नज़र आती है उसकी, यानी आपको जो है लगेगा कि आप फ्रेश महसूस कर रहे हैं, आप में एनर्जी आई है, आप जीत के आए हैं, आप टीम वर्क करके आए हैं, आपको एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट नज़र आएगा, वही बात निकल के आ गई। चौथी है वर्क अफोर्ड्स, ये सबसे मेन चीज़ है और इससे पहले अगली स्लाइड होगी। देखिए होता क्या है कि जब आप टीवी देखते हैं, या फिर जब आप, मैं कह दूं कि आप ऐसा काम करते हैं जिसमें एफर्ट्स बहुत कम लगते हैं, उस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं अगर बात करूं मूवी की, आप पिक्चर हॉल में जाते हैं, 3 घंटे बैठे रहते हैं, मूवी देखते हैं आप, 3 घंटे आप लगातार पढ़ नहीं सकते, बीच में आपका दिमाग इधर उधर जाएगा, मूवी में आपका दिमाग जाएगा नहीं किधर भी, फ़ोन आ जाएगा फ़ोन रख देंगे आप, अपने बेस्ट फ्रेंड का फ़ोन आया तो भी रख देंगे, लेकिन पढ़ाई में आपका किसी का भी फ्रेंड आ जाए, दुश्मन का भी फ़ोन आ जाए, तो आप उठा के उससे बातें करने लग जाएंगे, ठीक है। तो क्या है ये, बेसिकली जब आप मूवी देखते हैं तो आपके वर्क एफर्ट्स नहीं लगते, सामने वाला जो बोल रहा है आप सुन रहे हो, आप बैठे हो, आपको वो अपनी सब कुछ प्रेजेंट कर रहा है मूवी में, जो वो कहना चाहता है आप उसको समझ रहे हो ना, आपको दिमाग लगाने की जरूरत है ना, आपको सोचने की जरूरत है, वो जहाँ फ्लो लेके जा रहा है आप वहीं जा रहे हो, वो आपको सैड महसूस करवाना चाहता है तो आपको सैड फील करवा देगा, हैप्पीनेस दे देगा तो हैप्पी, तो आपको एक आपको पूरा वो कंट्रोल करके चल रहा है और आप कंट्रोल होते चले जाते हो, ठीक है। तो इस वजह से एफर्ट्स नहीं लगते, तो आपको उस टाइम लगता है कि हाँ यहाँ पे जो है आपको लगता है मज़ा आ रहा है, लेकिन असलियत में जब आप मूवी देख के आते हो तो आपको फ्रेश महसूस नहीं होता। मैं बताऊंगा आगे कि आप कितनी भी अच्छी मूवी देख लो, आपको बाहर आते हो तो आप बोर से हो जाते हो, लगता है दुनिया अजीब सी है कि मूवी हॉल में बैठे रहते हैं। गेम्स में क्या होता है, वर्क अफोर्ट्स लगते हैं, आपको अपना एक एक ऑर्गन, आपको अपना दिमाग बिल्कुल सुनिश्चित करके चलना पड़ता है, आपको पूरा एक्टिव रहना पड़ता है। तो जब वर्क अफोर्ट्स लगते हैं तब हमारी जो पूरी एक ब्लड फ्लो, मैं क्या बोलूँ कि एक पूरी जो मतलब हमारे थॉट्स, हमारी बॉडी सब एक जगह होती है, सब एक लाइन में होती है, और तब इसमें जो है हमको गेम्स में मज़ा आता है। अब मैं बात करता हूँ स्टडी से नफरत क्यों है, गेम ऑफ सेंसेस, बात वो ये लिंक करके मैं आपको अलग से इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। गेम ऑफ सेंसेस, देखो कोई भी चीज़ अगर आपके दिमाग को बंद कर देगी, यानी कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ है जो आपके दिमाग को सोचने से बंद कर देगी, वो आपको मज़ा देगी, जैसे ड्रग्स, पॉर्न, मास्टरबेशन या कोई फास्ट फूड, आप
इसलिए मूवी वगैरह देखने जाते हैं ताकि आपका ध्यान आपकी लाइफ में नहीं जाए, जो रियल प्रॉब्लम्स, आपका दिमाग मूवी में लगा रहे, आपका दिमाग बंद हो जाए 3 घंटे कैसे ना कैसे। शराब, मूवीज़, ये सब एडिक्शन ही तो हैं। आपका दिमाग, अब आप कह सकते हो मेडिटेशन में, मेडिटेशन में भी तो यही होता है कि आपका दिमाग बंद हो जाता है, आप ध्यान लगाते हो ब्रीथिंग में। देखो वो हायर फॉर्म ऑफ एडिक्शन है। मेडिटेशन में आप पूरे होश में रहते हो, लेकिन जब मूवीज़ वगैरह देखते हो तो आपको कुछ होश नहीं रहता, मतलब आप रियल प्रॉब्लम से हट के बात करते हो। जब आप मूवीज़ वगैरह देखते हो या फिर आप जब ड्रग्स वगैरह ले लेते हो या फिर पोर्न वगैरह की बात करें, तो आप पूरी तरीके से सेंसेस के कंट्रोल में जाते हो। सेंसेस जो हमारे 5 senses हैं, जब आप मूवी देखते हो तब आपके 5 senses पूरे एक्टिव रहते हैं। आपके जो साइट है, आप सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, सब आपकी जो है एक्टिव रहती है, ठीक है। आपको अफोर्ड नहीं करना पड़ा, आपके सेंसेस को एनर्जी मिली हुई है और वो धीरे धीरे काम कर रहे हैं। तो ये सेंसेस का गेम है, और जहां सेंसेस काम करते हैं वहां दिमाग चुप हो जाता है, वहां दिमाग रुक जाता है। सेंसेस जहां ओवरराइड कर देते हैं दिमाग को, वहां पे आपको मजा आने लग जाता है, उसे कहते हैं प्लेजर। जैसे आप फास्ट फूड खाते हो, फास्ट फूड आप खा रहे हो, मजा आ रहा है, जो आपकी टंग है, जो सेंसरी ऑर्गन है, उसको मजा आ रहा है, खाते खाते मजा आ रहा है, खाने के बाद आपके पेट में दर्द शुरू हो गया, आपको सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट नहीं मिला। एक चीज ध्यान रखना है कि जितनी भी चीज़ें सेंसेस की मदद से होती हैं उनमें ये चारों चीज़ें नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी अगर मूवी देखने जाते हैं, मूवी देखने के बाद आपको सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट नज़र आती है कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, कुछ देर के लिए आपका मूड फ्रेश हो जाएगा, 1-2 दिन के लिए आप स्टोरी में लगे रहेंगे, लेकिन क्या आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ बहुत बड़ा अचीव किया है, या पहले से बेटर हैं, या बहुत आप आगे चले गए, ज़िंदगी को आपने बेहतर बना लिया, या 3 घंटे पहले आप ज़्यादा अच्छे थे, 3 घंटे बाद आप और अच्छे हो गए? नहीं। स्ट्रेस, आपको कोई स्ट्रेस मिला? नहीं, कोई आपके पर प्रेशर नहीं था। इमीडिएट यूटिलिटी, मूवी देखने के बाद क्या आपको कुछ इमीडिएट यूटिलिटी नज़र आई कि आप जो है पहले से बेहतर हैं, या फिर आपके पास सामने नए आइडियाज़ हैं, या आप खुद को और जान पाए हैं? वर्क अफोर्ट्स लगे? नहीं। तो जो भी काम सेंसेस के होते हैं, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मूवी का, फास्ट फूड खाना, कुछ भी, ये चारों चीज़ें इनमें नहीं होंगी। और ये दुनिया में एक चीज़ याद रखना, आप एक चीज़ याद रखना, कोई भी काम करो तो वही देखो आपको आगे लेके जा रही है कि पीछे लेके जा रही है, आपको पहले से बेहतर बना रही है कि आपको डिग्रेड कर रही है। तो जो चीज़ आपको बेहतर बनाएगी उन चारों चीज़, उनमें ये चारों चीज़ शामिल होंगी, और जो नहीं बनाएंगी उनमें गेम ऑफ सेंसेस शामिल होंगी, और ये चीज़ स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता। इसीलिए मैं आपको यही कहता हूँ कि गेम ऑफ सेंसेस में आपको प्लेजर मिलेगा, प्लेजर आपको लगेगा, यार फास्ट फूड खाने में यार ज़िंदगी 2 पल की है, 3 दिन की ज़िंदगी है, चले जाएंगे, कुछ खा लेते हैं टेस्टी, बाद में टेस्टी खाने के बाद पेट में दर्द हुआ, प्लेजर तो मिला लेकिन जॉय नहीं मिला। गधे की जैसे आपको सेंसेस काम कराते रहते हैं, गधे की जैसे आपको खाने की इच्छा हुई, खाने चले गए, आपको पोर्न देखने की इच्छा हुई, पोर्न देखने चले गए। तो ये जो गेम, ये जो सेंसेस के जो गेम होते हैं, ये ह्यूमन के कंट्रोल में है, इसलिए ह्यूमन सबसे एडवांस है। जानवरों को कुछ खाना है तो खाना ही हो, जिंदगी भर खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे, वो सेंसेस पे काम करते हैं, सेंसेस पे काम करेंगे, खाएंगे पिएंगे सेक्स करेंगे सो जाएंगे। इंसान में एक इकलौती खासियत ये है कि अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है और सेंसेस को ओवरराइड कर सकता है। अगर आप अपने सेंसेस को ओवरराइड नहीं कर पा रहे, आपको खाने की इच्छा होती है फास्ट फूड कुछ खाने की, बर्गर पिज़्ज़ा आप खाते हो, आपको कुछ और करने की इच्छा होती है, जबको पता है कि आपको गलत है तो आप वो करने जाते हो, दोस्त बोला मूवी देखने चलते हैं आप चले जाते हो, तो आप जानवर हो एक तरीके से, आप ह्यूमन की उस दशा में पहुंच नहीं पाए, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान रखना यहाँ पे कि गेम ऑफ सेंस। अब आप देखो, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो यहाँ पे सीनियर प्लेयर्स होते हैं जैसे विराट कोहली वगैरह, इनको रेगुलर जो है सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट चाहिए, वरना ये बोर हो जाएंगे उस चीज़ से। ये एक साल, जैसे आप 1 साल पढ़ाई करते हो, बाद में आपका एग्ज़ाम आता है, तो 1 साल आप कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी बनाए रखना जरूरी है। वैसे इन सीनियर प्लेयर्स के लिए कि इनको 1 साल तक कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, और उसके बाद भी पता नहीं है, हार जाएं तो हार जाएं, प्रेशर में आ जाए या फिर कुछ भी आ जाए, तो इनके लिए क्या ज़रूरी है उसी टाइम? सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, मोमेंट ऑफ स्ट्रेस, इमीडिएट यूटिलिटी, हर दिन खुद को बेहतर देख पाना, हर दिन ये देखना कि हाँ मैं पहले से बेहतर हूँ। तो इनसे आप सीख ले सकते हैं, क्या आप हर दिन से बेहतर हो रहे हैं? आप मुझे कौन कौन मुझे बता सकता है कि कल आप जो थे उससे आप 0.001 भी बेहतर हैं, या कल से आपको ज़्यादा बर्डन महसूस हो रहा है या और पीछे जा रहे हैं आप?
आप अपने एग्ज़ाम को क्रॉस करने के ज़्यादा करीब जा रहे हैं या दूर जा रहे हैं? अगर इन सब का जवाब नेगेटिव में है तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताने जा रहा हूँ, आपको मैंने प्रॉब्लम्स बता दी हैं, सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, कैसे कैसे इन चारों चीज़ों को अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ में लाएं। पहला तो ये सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, छोटी छोटी चीज़ों से ऐसी शुरुआत करो जिन चीज़ों को आप आसानी से अकम्प्लिश कर सकते हो। सुबह उठो, अपना बिस्तर बनाओ, रख के आओ। जब आप उठोगे आपका शरीर पीछे खींचेगा, सो जा बेटा सो जा, प्रकृति नेचर आपकी बॉडी है ही ऐसे, आपको नीचे खींचेगी, बेटा सो जा। क्या बिस्तर रखना, क्या 7 बजे उठ जाना, 8 बजे उठ जाना, क्यों उठना अभी? आप ऊपर बॉडी आपके दिमाग को पता है कि उठ जाना चाहिए, आपके बीच में थॉट आया था कि यार उठ जाओ पढ़ लेते, लेकिन बॉडी आपको नीचे खींच रही है। तो हमेशा ये होता है कि आप जो है सो जाते हैं, फिर आप बाद में कब उठते हैं कुछ पता नहीं। एक चीज़ ध्यान रखना, किसी भी खिलाड़ी के लिए वर्ल्ड कप खेलना उस प्रेशर में और कि अपन जैसे लोगों के लिए सुबह उठ के बिस्तर बनाना, दोनों में जो बॉडी आपको खींचती है या आप कह सकते हैं प्रेशर होता है, रेसिस्टेंस जितना होता है वो सेम होता है। मेरी बात समझ रहे हो ना? सुबह उठते ही आपको अपना बिस्तर, एक तो सबसे पहले उठना ही बहुत बड़ी बात है, फिर आप बिस्तर भी बना रहे हो। एक दिन में नहीं होएगा, कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए कि आपको अचीव करना ही है, और जिस दिन आपने कर लिया, आपने बिस्तर उठा के रख लिया, आपको अचानक से एक अकम्प्लिशमेंट की सेंस आएगी कि हाँ मैंने कर लिया, आपको ना रिस्पॉन्सिबल महसूस होना शुरू हो जाएगा कि मैं जिम्मेदार हूँ। ये मैंने एक एक्टिविटी बताई, इसको आप अपनी डेली एक्टिविटी में कर सकते हैं। कुछ भी काम करें तो उसको पूरा करें। शुरुआत करना बहुत ईजी, ख़त्म करना बहुत कठिन है। हर काम को कठिन करके ख़त्म करके ही रहिए, उसका समापन होना ही चाहिए। कोई आप प्रोजेक्ट करने बैठे हैं, अच्छा हो बुरा हो अलग चीज़ है। मैंने वीडियो बनानी शुरू की, मुझे लग रहा था कि ये चीज़ें किसी को पता होंगी नहीं होंगी, बनाऊँ क्यों ना बनाऊँ, किस पे बनाऊँ, क्या सोचेंगे लोग, 200 व्यूज़ आएंगे, 1 रुपया नहीं मिलेगा वीडियो से, बॉस डांटेगा अलग, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन मैंने क्या किया कि कोशिश ये की कि इस चीज़ को कंप्लीट करो, पूरी अपनी एनर्जी दे के, क्वालिटी लगा के इस चीज़ को कंप्लीट करो, बाद में जो होएगा वो देखा जाएगा। तो वही चीज़ आप कर सकते हैं कि अब इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद चाहे 10 लोग देखो, लेकिन मुझे एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट है कि हाँ मैंने पूरी रिसर्च की, मेरे सामने पूरे नोट्स हैं, उनको मैं अच्छे तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर पा रहा हूँ बिना रुके। तो डेली एक्टिविटी में करो, अब पानी खुद पियो अपने हाथों से। दूसरा है मूवमेंट ऑफ स्ट्रेस। कितने दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, लिख लो, सामने कैलेंडर लिख लो और हर दिन एक दिन काटते जाओ। जैसे जैसे एक एक दिन काटते जाओगे आपके दिमाग में उतना स्ट्रेस, डिप्रेशन नहीं स्ट्रेस, मैंने फ़र्क बताया था आपको, स्ट्रेस बढ़ता जाएगा और आप उतना ही ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। इमीडिएट यूटिलिटी, कोई भी चीज़ पढ़ी दोस्तों के साथ डिस्कस करो, क्वेश्चंस बनाओ, टेस्ट करो, लिख के देखो। कोई भी चीज़ पढ़ी बुक बंद करो, लिख के देखो क्या याद हुई, पता चलेगा 80% चीज़ तो याद ही नहीं हुई, 20% चीज़ एक बार में पढ़ने पर याद हुई, वापस पढ़ो वापस लिखो, तब आपको फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं कितना पढ़ रहा हूँ। पर इसके लिए क्या चाहिए, फोर्थ चीज़ वर्क एफर्ट्स, और इसके लिए आपको क्या बनना पड़ेगा, मास्टर ऑफ सेंसेस। और यही चीज़ मैं आपको बोल रहा था कि इसके लिए आपको बनना पड़ेगा मास्टर ऑफ सेंसेस। और मास्टर ऑफ सेंसेस कैसे बन सकते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले तो कि कोई भी काम, अगर आपको प्रोकास्टिनेशन आपके दिमाग में अगर बहुत ज़्यादा है, आपको लगता है कि ये काम आप नहीं करते हो, आप सोचते हो पढ़ता हूँ लेकिन आपको लगता है क्या पढ़ूँ बाद में पढ़ लूँगा, तो दिमाग को ट्रिक करने के लिए कि भाई वो आपको काम फटाफट करवा दे या शुरुआत हो जाए उस चीज़ की, ख़त्म तो करना ही है वो तो मैं आपको बता दिया, शुरुआत कैसे करना है उसके लिए मेल रॉबिन्स जो आपकी मोटिवेशन स्पीकर हैं, जो डेवलपमेंट एक्सपर्ट है सेल्फ डेवलपमेंट, उनकी मैं एक ट्रिक बताता हूँ, 5 सेकंड रूल। वो ये कहती हैं कि कोई भी काम आपके दिमाग में, आप सुबह उठे हैं और आपको लग रहा है पढ़ लेना चाहिए कि बाहर थोड़ी देर टहल के आ जाऊँ या फिर फ़ोन चला लूँ या वीडियो देख लूँ यूट्यूब पर, तो आपको जैसे पता चले पढ़ना है तो आप उल्टी गिनती शुरू करने लग जाओ, 5 4 3 2 1। ट्राई करो, जब आपकी जैसी कोई चीज़ बैठे हो आपके दिमाग में, पढ़ लूँ फिर आपको लगे नहीं पढ़ूँ, तो उल्टी काउंटिंग करो, 5 4 3 2 1, जैसे आप करोगे आप अपने आप जो है पढ़ने बैठ जाओगे। प्रैक्टिस से आएंगी चीज़ें, प्रैक्टिस से। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि एक तो अपने पिलो को, बिस्तर को उठा के रखो, टाइम टेबल बनाओ, दोस्तों के साथ बात करो, 5 सेकंड रूल जो है वो करो, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे प्रैक्टिस से होती चले जाएंगे। लास्ट सबसे अच्छी और सबसे मज़ेदार बात यह है कि हम लोग ये सब जानते हुए भी अपनी पुरानी लाइफ पे लौट आएंगे, अभी तो एनर्जी मिल जाएगी और वही हम सेंसेस के अंदर गुलाम बन के रह जाएंगे,
गीता में भी कहा गया है कि तुमसे इजाज़त लेके तुम्हारा हाथ चले, तुमसे इजाज़त लेके तुम्हारी जीभ चले, जो मर टंग जीभ तो हमारी ऐसी चीज़ है कि हमेशा हमारे आउट ऑफ कंट्रोल रहती है। कुछ भी हम मुंह से बोल देते हैं, कुछ भी हम खा लेते हैं और जीभ की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, सारा स्ट्रेस आता है दिमाग पे, अंदर चली जाती है तो कुछ बोल के कुछ खा के, और पेट में दर्द हमारे होता है और दिमाग में स्ट्रेस किसके होता है, हमारे, उसकी कोई जिम्मेदारी है नहीं। तो ध्यान रखना कि आपको सेंसेस का मास्टर बनने के लिए, जो स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता, शुरुआत तो मेडिटेशन से करनी पड़ेगी, लेकिन उससे भी पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आप क्या चाहते हो। जब भी आपके दिमाग में कोई भी चीज़ आए खाने की, अगर कोई भी आपको मूवी देखने की बात है, आपके दोस्त मूवी देखने जा रहे हैं और आपको पढ़ना है, तो उस चीज़ को बैठो, सारे काम छोड़ो, शांति से बैठो और समझो। माफ़ कीजिएगा, फ़ोन आ गया था बीच में। तो मैं ये कह रहा था कि आप कोई भी अगर आपके सामने फीलिंग आए, जैसे आपको लगे कि यार मेरा दोस्त मूवी देखने जा रहा है, तो बैठ के शांति से समझिए कि आपके लिए करना क्या ज़रूरी है और अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करिए। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार वॉरेन बफेट के पास जो है एक आदमी गया, उसको समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है। तो वॉरेन बफेट बोले कि 25 चीज़ें लिख के लाओ जो आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हो। वो आदमी बहुत सोच समझ के 25 चीज़ें लाया। वो बोला इनमें से जो सबसे 5 जरूरी चीज़ें हैं वो लिख दो और बाकी काट दो। तो वो वापस गया, मेहनत करके लाया और फिर 5 चीज़ें उनके सामने पेश किया। तो बोला कि अब मैं क्या करूँ, इन 20 चीज़ों को छोड़ दूँ? तो बोले छोड़ दो, इन 20 चीज़ों को काट दो, ये तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे बड़े हिंड्रेंस हैं। तो अपनी प्रायोरिटी सेट करो, लिख के रख लो, प्रायोरिटी पे काम करना चाहिए। और एक बहुत बड़ी टिप मैं आपको बताने जा रहा हूँ, काम वो करो सबसे पहले जिससे सारे काम होते हुए चले जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पढ़ाई करेंगे या फिर आप कुछ भी ऐसा करेंगे जिससे आपकी जॉब लग जाए या आपको अचीवमेंट मिले, तो आप उसके बाद मूवी भी देखने जा सकते हैं, उसके बाद आपकी लाइब्रेरी भी खोल सकते हैं, आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन आप पहले मूवी देखने चल जाएंगे तो क्या बाकी काम हो सकते हैं? नहीं। तो पहले वो काम करो कि सारे काम होते हुए चले जाएं। मेरे हिसाब से मैंने ये इंटरप्रिटेशन दी है इस चीज़ को। आप अपने हिसाब से प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, तो प्रायोरिटी सेट करिए, देखिए कि मुझे ये करना ज़रूरी है, वो करना ज़रूरी है। आपके सेंसेस बोलेंगे कि नहीं मूवी देख लो, कुछ खाने चल जाओ रेस्टोरेंट में, पोर्न देख लो, लेकिन आपको इन चीज़ों को समझना है। जैसे फीलिंग आए आपके अंदर, बैठ के समझो कि आप क्या कह रहे हैं, आपका क्या कह रही है आपकी बॉडी, क्या कह रहा है आपका दिमाग। प्रैक्टिस चाहिए, एक दिन में ऐसा छुमंतर नहीं हो जाएंगी सारी चीज़ें कि आप जो है कृष्ण बन गए और आपके सेंसेस आपके कंट्रोल में आ गए और आप जो है पूरे पावरफुल हो गए, ऐसे नहीं, कुंडलनी पावर आ गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में धीरे धीरे ही आएंगी, ठीक है। तो जो प्रैक्टिकल चीज़ें मैंने बताई वो तो आप आज से अभी से शुरू कर दीजिए, ये चार चीज़ें, ये चारों चीज़ें जिनमें हों, ठीक है। और जब आप काम वो कीजिए प्रायोरिटी में, एक चीज़ और जो सबसे ज़्यादा मुश्किल और सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी हो, इससे चारों चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। दिन की शुरुआत ऐसे कीजिए, काम वो कीजिए सबसे पहले जो आपके लिए सबसे मुश्किल और सबसे ज़रूरी भी हो। चारों चीज़ें अगर आपके काम में होंगी है तो आपको काम काम नहीं लगेगा, आपको गेम लगेगा। होने के बाद आप मास्टर ऑफ सेंसेस बन जाएंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको सेंसेस को कैसे काउंटर करना है। ऐसी वीडियोज आती रहेंगी प्रैक्टिकल टिप्स के साथ। कैसी वीडियो लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, शेयर कीजिए अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद।